ज़ियारत वारिस हो। इमाम हुसैन को वारिस कहा गया। कोई होंगे जिनका इमाम अकेला वारिस हो? जो अंबिया, तमाम अंबिया का जो अकेला वारिस हो उसे हुसैन कहते। मेरा मौला हुसैन सिर्फ अंबिया के माल का वारिस नहीं, हर हर नबी के कमाल का भी वारिस। कोई कमाल ऐसा नहीं, नबी में कमाल नबी में है, वारिस हुसैन है। ज़ियारत वारिस हो, कभी आपने नाम सुना हो। सही फरमाते हैं, अगर कोई शख्स सिद्क दिल से, ख्याल कराए सही, सिद्क दिल से, सिद्क माने सच्चा, सच्चा दिल है ही वही जिसमें इकरार विलायत है, जिसमें इकरार नहीं वो सच्चा दिल नहीं। जो शख्स सिद्क दिल से इस ज़ियारत वारिसा को एक मर्तबा पढ़े, एक मर्तबा, उस एक मर्तबा पढ़ने पर 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट ज़ियारत वारिसा पर। ख्याल किता करो, तुम्हारी खौफ पता लग दे नहीं पढ़ दे, 10 मिनट लगते हैं, लगते 10 मिनट है, सवाब 10 हज का है। अब खबर है, सवाब खुश हो वो सुन, सवाब 10 हज का मिलता है। हज साल के बाद एक होता है, ना जाने हज की सौगतें, जाना भी है वहाँ, रहना भी है, कहूँ वहाँ कंकर भी मारने हैं, जुमला कहूँ खुश हो जाओ, वहाँ दौड़ना भी है। सारी चीजें होके एक साल के बाद एक हज, 10 साल हज करे, 10 साल के हज का सवाब इमाम हुसैन के 10 मिनट ज़ियारत पढ़ने के बराबर है। सिर्फ 10 हज नहीं, 10 उम्रे का सवाब भी, ये उम्रा मुफ्त मिल रहा है, 10 उम्रे का सवाब भी मिलता। फिर मासूम फरमाते हैं, जो यही ज़ियारत वारिसा पढ़ के फौत हो जाए, मेरा इमाम ज़माना फरमाता है, ज़ुहूर के बाद मैं खुद जाके उसे कब्र से निकाल के अपना नासिर बना। कैसा है नासिर बनने वाला, खुद इमाम ज़माना। दरी एक लफ्ज मैं कहने लगा हूँ, साहिबान इल्म बैठे हैं, उस एक मोमिन की कब्र जो ज़ियारत वारिसा पढ़ता है, एक फरसख खुली हो जाती है, 3.5 मील की एक कब्र हो, खुदा जाने वादी सलाम की वो सद क्या हो। समझ आई? फिर मेरा इमाम फरमाता है, अगर कोई सिद्क दिल से यही ज़ियारत वारिसा पढ़े, कहूँ आपको ताज्जुब होगा, ताज्जुब ताज्जुब होगा, हैरत होगी, इसी हैरत का नाम मारिफत है। हैरत होगी, आप कहेंगे हैं इतना सवाब भी मिलता है, अगर एक मर्तबा ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़े उसे 1000 हज का सवाब मिलता है। 1000 उम्रे का सवाब मिलता, गौर नहीं फरमा रहे, उम्रा कीचा जो नहीं है ना,
है, हजार उम्र का सवाब मिलता है और हजार जिहाद का सवाब मिलता है जो रसूल पाक के साथ किया। मुझे कहने दे, अब मुझे दलील मिल गई है, जिसकी जियारत पढ़ने का इतना सवाब हो उसकी जियारत करने का इतना सवाब। जनाब मैं ज़ियारत वारसा के सलाम को मैं तुम्हारे सलाम तर्जमा करता हूँ। माशाल्लाह मरकजी जगह और फिर जामे मस्जिद के अंदर गालिबन ये इमाम बारगाह है या मस्जिद है, लो अच्छी है मस्जिद इमाम बारगाह दो इकट्ठे हो गए है बड़ी गल। अस्सलामु अलैकुम तो जो फरमाए सी जैन देर तवज्जो नहीं फरमाएंगे समझ नहीं आएगी, बिल्कुल बैठे रहे। अस्सलामु अलैका, ये वो हुसैन अलैह सलाम है जिसे आरिफीन सलाम करते हैं, आबदीन सलाम करते हैं, जाहिदीन सलाम करते हैं, मोमिनीन सलाम करते हैं, मुत्तकीन सलाम करते हैं, नबी सलाम करते हैं, रसूल सलाम करते हैं, कहूँ अमीर मोमिनीन सलाम। क्या कह रहा है, मैं बिल्कुल तस्दीक के साथ बोला समझी करो मोहम्मद मुस्तफा सलाम करते हैं। अगर मैं रिवायात के तहत जुमला कहूं जिन्हें खुद तौहीद भी सलाम करते, खुदा जाने वहां मेयार सलाम क्या होगा। मरकज सलाम एक इमाम हुसैन और सलाम कर रही है तौहीद से लेके कुल मखलूक। सलाम का जवाब देना वाजिब, जब वाजिब है तो अब आरिफीन ने मिलकर इसके जवाब में ये फरमाया है जो हर एक सलाम का जवाब हस्ब मरातिब एक दे दे उसे हुसैन कहे। खुदा जाने हुसैन क्या। अब बात शुरू हो गई मेरे भाई। अस्सलाम हो अलैका, सलाम हो आप पर, सही पे सलाम हो। ओए होए होए, अब यहाँ कैसे उधर लंबी चोट नहीं करते। अस्सलाम हो अलैका यबना मुहम्मद अल मुस्तफा, आए आए खिताब करके कहा, आए ये इशारा हो रहा है, इशारा तख़सीस के लिए हो रहा है। ऐ मोहम्मद मुस्तफा के बेटे आप पे सलाम, बेटा भी नहीं है बेटा हो भी गया। मैं क्या कह रहा हूं, एक ख्याल कह रहा हूं, बहस शुरू हो गई है। ऐ मोहम्मद मुस्तफा के अलैह सलाम के बेटे बेटे सलाम करके खुद अल्लाह बेटे कह रहा है, कहाँ बैठे हुए हैं मोहम्मद। यार मैं कुरान की रूह से भी नस से बात कर रहा हूँ, ख्याल किया करो। ऐ मोहम्मद मुस्तफा के बेटे, आगे अगला जुमला, अस्सलाम अलैका यबना अली अल मुर्तजा, ऐ अली मुर्तजा अलैहि सलाम के बेटे, बेटे अली के हैं, ऐलान रसूल के बेटे का हो रहा। शाजी ख्याल के पूरा मजमून है। सलाम नबी का बेटा, रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफा नाम, मोहम्मद मुस्तफा का बेटा, हालांकि बेटा जनाबे अली अलैहिस्सलाम का है।
हूँ ख्याल करा मेरे अल्पा से लिखा ऐसे अली ये मुर्तजा का बेटा बेटा जनाब अली का होके भी मोहम्मद मुस्तफा का बेटा अली का बेटा ऐलान है कि अली नफ्स रसूल है। जनाब अली नफ्स रसूल जब नहीं समझ आई चुप बैठे रहो चुप की पढ़ते हैं नहीं जगह वहां नफ्स रसूल अली नफ्स रसूल अनफुसना व अनफुसकुम कुरान की दलील है या नहीं दलील मेरा बचड़ा दलील है कुरान की पर नफ्स कुरान अली क्या है नफ्स रसूल आगे है अस्सलाम अलैका यबना फातिमा तज़हरा ऐ फातिमा जहरा के बेटे ऐ फातिमा जहरा के बेटे जनाब अली के भी बेटे रसूल के थे नफ्स रसूल अब जनाब फातिमा जहरा के बेटे दलील है कि जनाब फातिमा का कुफ ही अली है। जनाब सैयदा का कुफ ही जनाब अमीर उल मोमिनीन लौला अली जुन गल तुसी वजन नहीं दीता लौला अली जुन लमा फातिमता कुफ वन अहद आदमो व मन दूनहु अगर अली न होते फातिमा पाक का कोई कुफ नहीं था हाँ वो आदम हो नू हो नबी कुफ नहीं जिसके कुफ नबी नहीं है तो मान सैयदा का बेटा होना ये अफरा तफरी क्यों है यार एक आदमी आते सारे देख लग पी अफरा तफरी ना करे ना अजय मजबूत में शुरू नहीं किया ले जाओ मेरा पुत्र ले जाओ सोना ले जाओ मेरे संग बच्चा भी ना ले आया कर भी चल भी मैं तुम्हें सही रहा अच्छा अस्सलाम वालेकुम अब ये मौजू शुरू खुदा के लिए मेरे साथ हो जाए अस्सलाम वालेकुम यबना फातिमा जहरा फातिमा जहरा का बेटा कहकर जनाब अली को के कुफ होने का ऐलान हो गया होने का ऐलान होना दलील है आलमीन में जब मासूम कुफ नहीं है तो गैर मासूम की खास गाड़ी कैसी है जल समझे बसी हदीस बनाई गई है अस्सलाम वालेका जबना खदीजतल कुबरा एक कहां की बात हो रही है कि चली हो रही है ना ना तुसी रसवार जो उम्मे अभी हा की भी माँ हो किते बैठे पुत्र किते बैठे कुरान कुछ ना दे तुसी कुछ बनाई खड़े हौली रखनी बह जा पुत्र बह जा सोना बह जा बात शुरू हो गई मेरा पुत्र अस्सलाम वालेका जबना खदीजतल कुबरा सुभान अल्लाह
खुदा जाने बैत मामूर में आबाद घर कैसा था। मैंने पूरा मुहर्रम ही बैत मामूर पे पढ़ा। क्या खबर दुनिया को बैत मामूर कौन है, कौन सा आबाद घर है। वसक्फिल मरफू, बुलंद उस घर के बुलंद छत की कसम। ख्याल करा नशे कुरान है, बुलंद छत वो है जहां रसूल को मेराज हुआ। उसी की चेबे कुरान की मौजान सी मौजान सी। अस्सलाम वालेकुम जबना खदीजा तल कुबरा, सलाम हो आप पर ए खदीजा तुल कुबरा। सलवातुल्लाह अलैहा के बेटे बेटे कहना दलील है कि जनाब खदीजा का कुफ्र रसूल पाक है। कुफ का ताल्लुक मर्द से नहीं होता, शादी याद रखा। कुफ का ताल्लुक मस्तूर से होता, मर्द कितना ही कैसा ही क्यों ना हो उसके घर में हर तरह की बीवी आ सकती है अगर बीवी इसमें यार की हो। वहां कुफ झूठा जाएगा। एक लफ्ज कह दिया, एक लफ्ज अगर कह दूं मैं, अगर बीवी इसमें यार की हो तब कुफ ढूंढा जाएगा, कुफ बनाया जाएगा। जनाब खदीजा का कुफ है रसूल, फिर मान लो कुफ की हैसियत से अदल यही है, जहां का मोहम्मद मुस्तफा होगा वही की खदीजा होगा। ये मक्का वाला निजाम गलत है, मक्का की भेड़ू वाली बीबी है। किचे गई है तुम्हारी भेड़े वाली, ये पैसे हर मौलवी खड़ा दे, बीबी का माल बीबी का माल। हूँ समझ आइए, बस कमाल 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 कल समझा करो सब। अब जनाब मैं थोड़ा सा, चूंकि बीबी जनाब खदीजतुल कुबरा हरम रसूल, हरा मेरे सुन जगह दे दो सही की जगह दे, क्या हुआ सी खैर हुए। हरा मेरे रसूल, मैं अब कुरान पढ़ने लगा हूँ। मेरा भाई जिन जिन को जिन्होंने कुरान का मुताला फरमाया है वो मेरे साथ हो जाए। अब जनाब मैं तीसवां पारा सूरह वज़्ज़ुहा, अल्लाह फरमा रहा है अल्लाह हो के कसम खा रहा है। मुझे कसम किस 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 में आती है, कसम की कसम है, अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है, आपकी इत्तला के लिए कसम है। अल्लाह फरमा रहा है मुझे कसम है जुहा की। खुदा गवाह मुफस्सरीन पे वाजिब है खाना बाद में खाएं, पहले जुहा ढूंढें जुहा कौन है। 1400 साल से जुहा का पता ही नहीं है। बस जुहा ए पुत्र इन मारी मुंड है मेरे अल्पा से लीजिए बला ना देखे तू चाची बागी सारे ले दे बंदे। वज़्ज़ुहा सारे बच्चे मैं आखा यार के लिए फॉल्ट पे करने बिच बह के ना 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 ख्याल कराए मैं उच्चा बैठा मेरे उत्ते वाजिब प्या होते टोकना। अल्लाह फरमा रहा है वज़्ज़ुहा मुझे कसम है जुहा की। खुदा जाने वो जुहा क्या कमाल है जो इल्मे इलाही में लाए के कसम। आप आम बातें समझ रहे हैं कि
والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللاخره خير لك من الاولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. قران دے نیڑے نہیں گئے تو بل خیال کرائے سی. قسم ہے زہا کی, زہا کو سمجھنے کے لیے جب تک اس کا مستر نہ ہو. مستر, مستر وہ ہوتا ہے جس لیے لفظ نکلتی ہے, صادر ہوتی ہے, پتر صادر ہوتی ہے والے نوکر جو میں بیٹھا, صادر ہوتی ہے لفظ, اس صادر ہونے والے کو مستر کہتے ہیں. مستر معلوم ہو جائے گا, زہا کا ترجمہ ہو جائے گا. لفظ زہا کہہ کر اللہ نے مشبہ بہی, مشبہ اور مشبہ بہی, مشبہ بہی کا ذکر کیا, مشبہ کا بھی ذکر نہیں کیا. اس میں ایک مشبہ ہے, ایک مشبہ بہی ہے, ایک وجہ تشبیہ ہے. اللہ فرما رہا ہے وضحا, زہا کے معنی ہیں چاشت کا وقت. چاشت کہتے ہیں فارسی میں سویرے سویرے, خدا جانے سویرے سویرے ہم خوش ہو گئے یار, میں اور پیا تھا تو علی گل نہیں کرتا. زہا کے معنی ہیں مجھے حکم ملتا ہے ان کو کھلا ہنسا کے سنائیں, یہ سنیں گے نہیں میری مجبوری ہے. صبح چاشت کے وقت, میں ایک پہلے ایک مشبہ بہی کی بات کر رہا ہوں, پہلے اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے سورج کی جب وہ اپنے مشرق سے نکل کر شرق کے کمال میں پہلی کرن چھوڑتا ہے وہ کرن پڑتی ہی روضہ علی پہ ہے. پہلی کرن جناب علی کے روزے پہ پڑتی ہے, ٹھیک ہے. سورج میرے لال پاس لکھا ہے یہاں ہے ملزوم کا ذکر کر کے لازم مراد لینا, اسے کہتے ہیں کنایہ بعیدیہ ردیفیہ. کنایہ بعیدیہ ردیفیہ, نام کچھ لیا مفہوم مطلب کچھ ہے, یہ بس زہا کے اندر ہے, ٹھیک ہے. صبح چاشت کے وقت سورج مشرق سے نکل کر اپنے, افسوس ہے چھوٹے بچے اب آپ کے لیے زور لگا رہا ہوں, میرا پتر تو آنے لئی میں زور پہ لے رہا, میں نے لوڑ نہیں ہے زور دی تاکہ میں کہنا کوئی گل حقیقت تو آنے تک پہنچ جائے, تو اسی لیے دے دیا. دیکھو بیٹی افسوس ہے یار, افسوس ہے. مشرق سے نکل کر شرق کے کمال میں ایک حد پہ بلند ہو کر روشن ہو کے ماحول کو روشن کر دے اسے زہا کہتے ہیں. تو سمجھ آئیے. اب دوسرا ترجمہ جو اکھی کی میں نے لکھا ہے, اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے نورانی وجود مصطفیٰ کی. خوش نہیں ہو رہے, خوش نہیں ہو رہے. نورانی وجود مصطفیٰ کی جو اپنے صدف سے, صدف میں کہہ رہا ہوں, صدف, صدف سے اکیلا نکل کر, صدف وہ ہوتا ہے جس میں ایسا در یتیم ہوتا ہے جس کی کائنات میں کوئی قیمت ہی نہیں ہو. رسول تو ایسا در یتیم تھا, تیری قیمت ہی نہیں تھی, تیری حفاظت مجھ اللہ پہ واجب تھی, میں نے ابو طالب کا گھر تیری حفاظت کا.
में खुश हो मेरे पुत्र, कुरान पे होंगे। दुर्रे यतीम अपने सदफ से निकल कर, ठीक है, एक हद कमाल, ए हद कमाल ख्याल कराए से, हद कमाल पर, हद कमाल पर पहुंच कर माहौल को रोशन कर दे, उसे जुहा कहते। हाय 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 हाय, सानू एक एक आदमी जो मेरी नजर है तो मैं हर हर आदमी के अंदर बिल्कुल देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, समझ आई नहीं? अब मैं तर्जमा करने लगा हूं। चूंकि रसूल अल्लाह ने कहा मेरा हबीब आज तू एक हद कामिल पर पहुंच गया है, कल कर लेना जल्दी जल्दी, मेरा हबीब आज 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 इस बात की दलील है कि अल्लाह भी गिनता रहा, यह दिन आए तो मैं आज कहूं। हाय 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 हाय, मेरा हबीब आज तू 25 साल का भरपूर जवान हो गया है, जवानी में कामिल हो गया है, नहीं समझ आई, लाहौर छोड़ दे, जवानी में कामिल हो गया है रसूल, अब हमें उम्मे अभी हाँ मादने नस्ल इमामत चाहिए, शादी कर लो, निकाह अबू तालिब पढ़े। खुद रसूल नहीं पढ़ेगा, मैं क्या कह रहा हूं आप, जो खुद मालिक शरीयत है, पुत्र रोज सोना ना बला ना देखी मेरी ऊंचाई तू खैर मेरे आले पास, आज रसूल रसूल अपना निकाह आज तूने नहीं पढ़ना, कहू जुमला कहूं, आज तेरे होते हुए अबू तालिब ने पढ़ना है, अबू तालिब कुछ जैसा निकाह पढ़ सकता है, है? मेरी खबर नहीं पढ़ना, खुश नहीं हुए, सही नहीं हुए ना बेटा, समझ आई, निकाह में जरूरी क्या है बाबा, क्या वाजिब है निकाह, खुतबा नहीं, खुतबा मुस्तफा पे है, खुतबा नहीं बचू, निकाह निकाह में तो पता ही नहीं, मौली साहब ही पढ़ते पढ़े, हाँ मौली साहब पढ़ते, निकाह में कसदे इंशा, कसदे इंशा ये होती है, मैं तफसीर लिख छोड़िए सारी मुकम्मल में आ जाएगी तो मालूम हो जाएगी, कसद इंशा ये है, अनकाह तो फेले माजी है, माजी माजी समझ दो बच्चे, शुक्र है शुक्र है, है, है। भी माजी है गुजरा हुआ जमाना, नियत करनी है हाल की, निकाह पढ़ा नहीं मैं निकाह पढ़ता हूँ, क्यों 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 कहा ऊंची आवाज से अबू तालिब पढ़े, गल समझ जानी पी, क्योंकि बाद में जितने रसूल के हरम होंगे वो सिर्फ कबूल में आएंगे, निकाह की लफ्ज़ नहीं हो, समझे अबू तालिब ख्याल कराए, कसद इंशा हाल का तर्जमा, मैं
कहा तो मैंने निकाह पढ़ दिया नहीं, मैं निकाह पढ़ता हूँ। रसूल खुदा खुद नहीं पढ़ रहे, अबू तालिब अलैहिस्सलाम निकाह पढ़ रहे। सुन्नत रसूल की होगी कयामत तक के लिए। अबू तालिब से निकाह पढ़वा के यही फरमाया, निकाह ही यही है जो अबू तालिब ने पढ़ा। ठीक है जनाब, अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अनकाह तो कहा, कितनी गल होगी तो अनु पता ही नहीं लगा यार, मौजाइन ठीक है आया लस्सी ज्यादा पी लिया, अनकहा तो मैं निकाह पढ़ता हूँ सरकार मोहम्मद मुस्तफा का पाक मुआजमा के साथ, इतनी हक महरे मालूम पर मैं निकाह पढ़ता हूँ। जब कहा ना पढ़ता हूँ फौरन निदा आई, अबू तालिब यही मैं सुनना चाहता हूँ। क्या बात हो गई, निकाब हो गया बस। हैदरी नहीं तुम्हारी खामोशी ठीक है, मैं मौजूद कंजेस्ट कर क्लोज कर ले। आगे है निकाह के लिए कौन चाहिए, बीबी पाक चाहिए, जो उम्मे अबीहा की माँ हो के रसूल उसका कुफ बने। अब अगली, अच्छा ये वज़ुहा का तर्जमा हमारे शियों ने क्या किया, शियों ने बाद में शियों की करूँगा, शियों ने क्या दिन चढ़े की कसम, ये लिखा हुआ है शाजी ये लिखा करेंगे, यकीन कर लो ये लिखा करे, दिन चढ़े की कसम, दिन नहीं चढ़ता चढ़ता सूरज है। हाय 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 हाय, सूरज रोज चढ़ता है रोज, जो रोज रोज चढ़े अल्लाह उसकी कसम नहीं खाता। कोई कोई ऐसा ऐसा ढूंढो जो एक मर्तबा ऐसा चढ़ा हो। सुबह जनाब शादी के लिए जल्दी से, शादी के लिए वल्लैले एजाओ सजाओ, लैल का तर्जमा शियों ने क्या लिखा मेरे भाई, रात की कसम। यहाँ देखे रात है, अमेरिका में दिन है, अमेरिका में रात वहाँ दिन है, यहाँ रात है, यहाँ दिन होगा वहाँ रात होगी। अल्लाह ने दिन भी दो बनाए रातें भी दो बनाई, अल्लाह को खबर थी ये लैल का तर्जमा रात करेंगे, फिर आगे लिखे अमरीका वाली रात है। अमरीका वाली रात है या लाहौर वाली रात, हूँ मैं दसे जो खुश पे थी जो खुश पे होंगे ना रात पे खुश पे होंगे। अल्लाह ऐसी रात की कसम नहीं खाता जिसके अंधेरे में गुनाह होते। लैल कौन है, लैल लैल कौन है, रात नहीं, आपके तर्ज में गलत हो गया, रात नहीं वल्लैल ही जनाबे खदीजतुल कुबरा। अल्लाह कसम खा के कह रहा है, खुदा के वास्ते समझे समझे, कसम खा के कह रहा है वल्लैल एजा सजा, सजवा मस्तर से लंबी बात है, वल्लैल एजा सजा, अल्लाह फरमा रहा मुझे कसम है जनाब खदीजतुल कुबरा की, जब वो जन्नत के जेवरात से सज कर, चूंकि रसूल है जन्नतों का मालिक, जन्नत का हर जेवर सैयदा पहने हुए दुल्हन बनकर हया के पांव पे चल कर
जवा के सैयदा पाक रसूल खुदा के बैत में पहुंच कर पुरसकून हो गए। बस खत्म सी, तुम्हारे ज्यादा जहम टाइम नहीं, ज्यादा वक्त हो गया, पुरसकून हो गए। जब बीबी देखे आप तीसरे पारे में जाके इसी आयत के बारे में लिखा हुआ है, माँ वद्दा का रब्बो का वमा कला, माँ वद्दा का रब्बो का वमा कला, तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं और ना वो दूर हुआ है। वलल आखिरतो खैरुल्ला का मिनल ऊला, रसूल तेरी शादी हो गई है, आखिरत तेरी दुनिया से बहुत बेहतर है। जनाब हसनैन जवानान है जन्नत के सरदार, अली उनसे अफजल है, सैयदा पाक तमाम निशाए अहले जन्ना से अफजल। कल कर लो वहाँ, अच्छा बाद ही कर, ये अगली आयत में छोड़ दिया वाला सौ फयोती का रब्बो का फतरजा अभी छोड़ देते हैं। अब जनाब जनाब खदीजतुल कुबरा आई रसूल पाक के घर में, पुरसकून सजवा के माने हैं, सीन जीम वाहे गोलते सजवा, सजवा के माने हैं पुरसकून हो गई। साहिबान मुताला कुरान से जो मस रखते हैं, जब आ गई बीबी रसूल पाक के हरम में आई, अल्लाह ने जो वही करता था रसूल से बिला फसल, जाहरी वही जो ऐलान नबूवत के बाद आई, जो बिला फसल हर वक्त रही वही रहती थी, वो अल्लाह ने वही करना रोक दी। मेरे ख्याल समझ नहीं आई, हाय 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 शादी हाय है, अल्लाह ने वही रोक दी, वही करना छोड़ दी। यही बात जनाब खदीजा ने कहा, मौला जब से हमारी शादी हुई अल्लाह ने तो आपसे वही करनी छोड़ दी है, फौरन वही आ गई, वही ने ख्याल करामा जुमला कहने लगा, वही ने आके कहा मैंने रोकी नहीं, इसलिए चंद दिनों के लिए रोक दी है ताकि तुम्हारे सुकून में वही की भी मुदाखलत ना हो, क्योंकि हमें नफ्स मुतमईना चाहिए। तुम यार समझ जाइए क्या क्या, हमें नफ्स मुतमईना चाहिए, लोग और नफ्स मुतमईना के लिए मैं इखलास कह दूं, ये शादी हो गई ना, वाला सौफा योती का रब्बो का फतर सो, मेरा हबीब मेरा हबीब, ये सौफा सीन जो है ना वाला सौफा, ये यकीन के माने में, मुस्तकबिल के माने में नहीं, यकीनन अल्लाह आपको मेरा हबीब मेरे पास देख लो मेरे आने पास एक ऐसी नेमत देगा कि तू हमेशा के लिए राजी हो जाएगा, वो नेमत है इन्ना आतैना। आखिरी लफ्ज बाबा, आखिरी लफ्ज सही, माफ कराए पुत्र, आखिरी लफ्ज, अरे अल्लाह इतनी देर वही ए जो वही थी क्यों रोक दी, सुकून का मतलब हमें मिल गया कि हमें नफ्स मुतमईना चाहिए। गल भी समझ आइए, नफ्स मुतमईना चाहिए, और दूसरी क्यों रोक दी है अल्लाह ने, फरमाया इसलिए रोक दी है कि मुद्दत के बाद कुफ कुफ को मिली है। आखिर दावा ना अल्हम्दुलिल्लाह।